हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 8 फरवरी 2020। आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक हमारे पर डे की तरह रहेंगे। मोटिवेशन कोट होगा जो आपको मोटिवेटेड करेगा, वन लाइनर न्यूजेस होंगी, डिटेल करंट न्यूज़ होगी, स्पेशल नॉलेज हम डिस्कस करेंगे और स्टेट एक डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको पूरा वॉच करना है टिल एंड तक, ओके। मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। ना भागें और ना ही रुकें, बस चलते रहें, यही कार्य क्षेत्र में सफलता का मूल मंत्र है, ठीक है। अब आपको बहुत तेज़ भी नहीं चलना है और बहुत धीरे भी नहीं चलना है, पर चलते निरंतर रहना है। कहने का मतलब ये है कि पैदल नहीं चलना है, ना रेस लगानी है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी तैयारी जो आप कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए आज आपने 8 घंटे पढ़ लिया, कल आप 2 दिन आपने पढ़ा ही नहीं, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप 1 घंटे पर डे पढ़ते हैं तो पर डे 1 घंटे पढ़ते जाइए। इससे क्या होगा कि आप चलते जाएंगे और आपकी जो डेवलपमेंट है तैयारी में वो होती जाएगी और आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वालाइने न्यूज़ देखते हैं। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ है, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाया गया, ठीक है। इसका विषय क्या रहा था, तो इसका विषय रहा था अनलीसिंग यूथ पावर, वन डिकेड ऑफ एसिलरेटिंग एक्शंस फॉर जीरो फीमेल जेनेटाइल म्यूटिलेशन, ओके। अब ये काफ़ी बड़ा है इसकी थीम, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था 6 फरवरी को, और इसकी थीम जो रही वो रही अनलीजिंग यूथ पावर, द डिकेड ऑफ एसिलरेटिंग एक्शंस फॉर जीरो फीमेल जेनेटाइल म्यूटिलेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा से। 6 फरवरी 2020 को कहाँ तीसरे रक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देख लेते हैं। रेपो रेट जो रही है अब की बार कितनी रही है, तो 5.15 मतलब 15% रही है। अगर रिवर्स रेपो रेट पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे 5.90% रिवर्स रेपो रेट रही है। तो ये बैंकिंग के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेटा हो जाता है कि रेपो रेट कितनी है, तो 5.15% है और रिवर्स रेपो रेट जो है 4.90% है। सीमांत स्थाई सुविधा दर और बैंक दर कितनी है, तो वो है 5.40%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज उद्योगों के लिए किस दिन एक मुश्त पुनर्गठन योजना का विस्तार किया है, तो 31 दिसंबर 2020 के दिन इन्होंने एक पुनर्गठन योजना का विस्तार कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वनियामक संगठन स्थापित करने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा, तो डिजिटल भुगतान के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान भारत की अनुमानित अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी रही है, तो जो अनुमानित अर्थव्यवस्था की वृद्धि रही है वो रही है 6%, ओके। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते क्या रहेगी। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ब्रिटेन, इजराइल, यूक्रेन, नीदरलैंड और ग्रीस सहित 27 देशों के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा की है, तो वो की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दक्षिण एशिया में गरीबी से लड़ने के लिए भारत के लिए एक नए बाल संरक्षण कोष का अनावरण कर दिया है, तो वो अनावरण किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। किसके लिए, दक्षिण एशिया में जो गरीबी से लड़ने के लिए भारत के लिए एक नए बाल संरक्षण कोष का अनावरण किसने किया है, ब्रिटेन ने किया है, ठीक है। राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेते हैं। यूनेस्को के महानिदेशक जो हैं ऑड्रे अजौले, उन्होंने किस शहर को विश्व विरासत का जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया है, तो वो जयपुर को। ये जयपुर जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और राजस्थान की कैपिटल है, ये तो आप सभी को पता ही है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको विश्व विरासत स्थल में जगह तो मिली थी पर इसे सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIPC के वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही है, तो जो भारत रहा है हमारा इंडिया कौन से प्लेस पर रहा है, तो 14th प्लेस पर ये हमारा भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने कहा कि विकलांगता, समावेशी आपदा जोखिम न्यूनन, लचीलता के समावेश और कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया है, दिल्ली के अंदर ये आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 फरवरी को गणितीय विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले 5वें साइंस एट द सभा का स्थल क्या है, तो वो है चेन्नई, ओके।
व्यक्ति विशेष से बात कर लेंगे। नागरिकता आतंको फियर ऑफ सिटीजनशिप पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वो हैं ममता बनर्जी जी। ये कौन है? पश्चिम बंगाल की ये सीएम है। नागरिकता आतंको मतलब फियर ऑफ सिटीजनशिप, दोनों नाम आपको याद रखने हैं और इनकी लेखिका है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे ने किस वरिष्ठ पत्रकार को पत्रकारिता के योगदान के लिए जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान किया है? तो दिनकर केशव रायकर को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के मंत्रालय और विधानमंडल वार्ताहार संघ द्वारा विभिन्न श्रेणियों में वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं जानवी पाटिल, राहुल कुलकर्णी और संजय बापट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नामांकन व्यक्तिगत श्रेणी के सहित कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? तो वो है डॉक्टर एन एस धर्माशक्तु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत श्रेणी के तहत कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार के विजेता कौन है? तो वो है लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट, जो है वो संस्था है एक जो कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की विजेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टिक कलिंग लिटरेरी अवार्ड भारतीय और वैश्विक भाषा के विजेता कौन है, जिन्हें 8 फरवरी से भुवनेश्वर में शुरू होने वाले मिस्टिक कलिंग महोत्सव में प्रस्तुत किया जाएगा? तो वो है मनोज दास, इन्हें ओडिया और अंग्रेजी लेखक हैं ये। ओके, इन्हें कौन से अवार्ड से सम्मान, मतलब कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो मिस्टिक कलिंग लिटरेरी अवार्ड जो है वो इन्हें दिया जाएगा, मनोज दास को। ये हैं कौन? ओडिया और अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो खेल से रहेगा, भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया ने किन शहरों में 7 उच्च प्रदर्शनों के केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है? तो उसमें रहेंगे नई दिल्ली, सुंदरगढ़, बेंगलुरु, टाकील, इम्फाल और पुणे, रांची और गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोट्रफ हॉकी स्टेडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा राज्य विशेष से रहेगा, नागालैंड के बाद वह राज्य सरकार कौन सी है जो पहली बार 2 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन करेगी? तो वो है त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा की जो कैपिटल होती है सभी को पता होनी चाहिए, अगरतला है, और नागालैंड की कैपिटल जो है वो है कोहिमा। ओके, अब क्वेश्चन ये बन जाएगा कि नागालैंड और किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव बनाया जाता है? तो आप बताएंगे त्रिपुरा और नागालैंड में। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड अगर ऑप्शन में होगा तो नागालैंड आप लगाएंगे, त्रिपुरा होगा तो आप त्रिपुरा टिक कर देंगे। सामान्य ज्ञान जो भी न्यूज़ रही उससे संबंधित देख लेते हैं। नागालैंड की स्थापना 30 नवंबर 1963 को हुई, राजधानी कोहिमा में है। त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को, राजधानी आपको अगरतला में स्थित मिल जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1995 में हुई दिल्ली में। ओके, यूनेस्को की स्थापना हम पर डे बताते हैं, सबको याद भी हो गई होगी, 4 नवंबर 1946 में हुई थी और मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में मिल जाएगा। ओके, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी नई दिल्ली में। ओके, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है तुरंत आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए और आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकें। हमारा कंटेंट बहुत ही बेस्ट है, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि काफ़ी बेनिफिशियल आपकी तैयारी के लिए है। ओके, फेसबुक और इंस्टा पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक और हेलो ऐप अगर आप यूज़ करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अगर डेलीमोशन वेबसाइट यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, शेयर चैट अगर आप यूज करते हैं तो आप वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी क्लासेस होती हैं उनकी PDF जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या रही हैं। भारत और अफ्रीकी देशों ने परस्पर सहयोग के लिए लखनऊ घोषणा पत्र को अंगीकार कर दिया है। अब 6 फरवरी 2020 को भारत और 50 अफ्रीकी देशों ने लखनऊ घोषणा पत्र को अंगीकार किया। लखनऊ घोषणा के अनुसार सभी हस्ताक्षरकर्ता विशेषज्ञता और प्रशिक्षण के आदान प्रदान, संकल्प और संघर्ष के माध्यम से शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग जारी रखने, क्षेत्रीय और महाद्वीपीय प्रारंभिक चेतावनी क्षमता और तंत्र को मजबूत करने, बढ़ाने के लिए और शांति व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और शांति की संस्कृति का प्रचार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
ओके तो अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कि भारत और अफ्रीका के बीच लखनऊ घोषणा पत्र पर मतलब जो है हस्ताक्षर किए गए हैं, अंगीकार किया गया है, तो लछड़ू जो सॉरी लखनऊ घोषणा पत्र पर किस किस देश के मध्य अंगीकार मतलब किन किन देशों के मध्य ये अंगीकार हुआ है लखनऊ घोषणा पत्र, तो वो भारत और अफ्रीका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में एरो और डिफेंस पार्क बनाया जाएगा। जो झांसी है वहाँ पर एक एरो और डिफेंस पार्क बनाएगा, विकसित बुंदेलखंड क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर के साथ झांसी में एरो और डिफेंस पार्क बनाए जाने की संभावना है। अभी इसे संभावित ही है, ये अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। ओके, यह 6,000 एकड़ भूमि में फैला होगा। इसकी परियोजना के तहत 37,000 करोड़ रुपए मतलब 5.2 अरब डॉलर का अनुमानित निवेश किया जाएगा। तो ये अभी संभावित है, अभी बना नहीं है, तो आप ये याद रखना, ठीक है। GIPC द्वारा इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जारी की गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक से फिसल कर वह 40वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। यह अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया, ठीक है। GIPC की फुल फॉर्म है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ओके, GIPC ने 53 देशों के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी किया, और रिपोर्ट के अनुसार आईपी और कॉपीराइट मुद्दों के संरक्षण में भारत ने स्कोर के मामले में सुधार दिखाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य शीतकालीन पर SASE की रिपोर्ट आ चुकी है। मध्यकालीन मूल्यांकन पर हिमपात और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान की रिपोर्ट में कहा गया कि नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक प्राप्त हुई बर्फबारी पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक रही है। SASE वेधशालाओं द्वारा दर्ज की गई सबसे अधिक बर्फबारी जो है हिमाचल प्रदेश के धुंडी में हुई थी, जिसे पिछले 3 महीनों में 639 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है, जबकि इस अवधि के दौरान सबसे कम वर्षा द्राश में हुई, जो पृथ्वी पर दूसरा सबसे ठंडा निवास स्थान है, जिसे 123 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब मध्य शीतकालीन पर SASE की रिपोर्ट आ चुकी है मध्य शीतकालीन मूल्यांकन पर, तो इसमें क्या इन्होंने कहा है कि सबसे जो बर्फबारी ज़्यादा हुई है वह हुई है धुंडी में, हिमाचल प्रदेश की एक जगह है धुंडी वहाँ पर, और सबसे कम वर्षा हुई है द्रास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति जो है जारी कर दी है। 6 फरवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019 से 2020 के लिए अपनी छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति का बयान की और घोषणा की, जिसमें रेपो दर की अपवर्तित छोड़ दिया गया है। इसमें नीतिगत रेपो दर को 5.15% पर अपवर्तित रखने का फैसला किया गया है। वित्त वर्ष 2020 से 2021 के लिए सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट H1 में 5 से 5.6% की सीमा से 6% और कोई Q3 से 6.2 रहने की अनुमान किया गया है, ठीक है। तो आपको बस ये इतना याद रखना है कि जो हमारी रिवर्स रेपो रेट है वो कितनी है, रेपो रेट कितनी है 5.15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की राखी हलदर ने सीनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जीती है। तो अब क्वेश्चन तो एक बन जाएगा, राखी हलदर जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो वेट लिफ्टिंग से। ये कहाँ की हैं, तो ये पश्चिम बंगाल की हैं। पश्चिम बंगाल की राखी हलदर ने कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन में 35वें संस्करण में 64 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो राखी हलदर आपको नाम याद रखना है, ये वेट लिफ्टर हैं और ये पश्चिम बंगाल की हैं। अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन पर डे हम बताते ही हैं, तो आज आप कुछ नया सीख लीजिए। महाद्वीपों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है, ये तो आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो हमारा एशिया है। तो एशिया में सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है, और सबसे छोटा अगर देश पूछा जाएगा एशिया के अंदर तो वो मालदीप है, ठीक है। अब यूरोप महाद्वीप है, उसमें सबसे बड़ा देश रूस है, और वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटा देश है। अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया जो है वो सबसे बड़ा देश है, और मेओटो जो है वो सबसे छोटा देश है। उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो कनाडा जो है वो सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका में, और सेंट पीरे जो है सबसे छोटा देश है। दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे तो ब्राज़ील सबसे बड़ा देश हो जाता है, फाकलैंड जो है वो
छोटा देश हो जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, नौरू जो है वो सबसे छोटा देश है। तो ये थे स्पेशल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन से। अब बात करेंगे स्टेट की, तो स्टेट में हम आज डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा राज्य को। तो हरियाणा राज्य की राजधानी होती है चंडीगढ़ और सबसे बड़ा शहर जो है वो है फरीदाबाद। हरियाणा की जो ज़िले हैं वो हैं 22 और यहाँ पर हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी भाषा बोली जाती है। हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। राज्यपाल जो हैं वो वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री अगर पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे मनोहर लाल खट्टर। ओके, विधानमंडल यहाँ की जो है वो एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो हैं 90 हैं और राज्यसभा की सीटें अगर हरियाणा से पूछी जाएंगी तो वो 5 सीटें आ जाती हैं। लोकसभा की सीटें 10 हैं। हरियाणा जो है वो उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। इसकी सीमाएं पंजाब और हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में और पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। यमुना नदी इसके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी सीमा को परिभाषित कर देती है। ठीक है, अब स्टैटिक जीके में हम बात करेंगे हरियाणा में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो उनके सबके बारे में। तो सुल्तानपन नेशनल पार्क जो है वो गुड़गांव में है हरियाणा के अंदर। कलेसर नेशनल पार्क जो है वो यमुनानगर में है, वो हरियाणा के अंदर आता है। वन्यजीव अभयारण्य है कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है, वीर शिकार गाह वन्यजीव अभयारण्य है, छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो कई बार पूछी भी गई और ये कुरुक्षेत्र में है, नाहट वन्यजीव अभयारण्य है, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, खपरवास वन्यजीव अभयारण्य और खौल ही रायतान वन्यजीव अभयारण्य जे हैं, ये सभी वन्यजीव अभयारण्य आपको हरियाणा के अंदर मिलेंगे। अब इसमें संरक्षण गृह कौन कौन से, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य जो कि कैथल में है और बीहड़ बड़ा वन वन्यजीव अभयारण्य ये जींद में है। हिरण उद्यान और हिरण पार्क जो है वो हिसार में स्थित है। चिड़ियाघर यहाँ पर है, मिनी चिड़ियाघर भिवानी में है, रोहतक चिड़ियाघर है और मिनी चिड़ियाघर पिपली में भी है। यहाँ के प्रजनन केंद्र भी हैं, चिंकारा प्रजनन केंद्र है कैरू में है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है वो हरियाणा में पिंजौर जगह पर है, तीतर प्रजनन केंद्र जो है मोरनी जगह पर है, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है वो झाबुआ जिले में आ जाता है। ठीक है, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना जो है वो एक प्रस्तावित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थित है। 13 जनवरी 2014 को इस परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, अब गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना जो है इसके लिए आपको गोरखपुर एटॉमिक स्टेशन पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में आएगा उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, पर आपको याद रखना है गोरखपुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो वो हरियाणा में है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम आप डिस्कस करेंगे। तो भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप सभी को पता ही होगा वो है महाराष्ट्र। ओके, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरियर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। निरपेक्ष शून्य तापमान कितना होता है, तो 273 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो कार्ल मार्क्स की ये जो है प्रसिद्ध रचना है। सबसे अधिक पारा किस देश में पाया जाता है, तो स्पेन में पाया जाता है। स्पेन की अगर कैपिटल पूछी जाएगी तो आप तुरंत बताएंगे मैड्रिड, और करेंसी पूछी जाएगी तो आप बताएंगे यूरो। ओके, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जेवी कृपलानी। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया था। ठीक है, और जीएसटी जो है कौन से मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा मॉडल पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया था, तो 22 मार्च 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडर को स्वीकार किया गया था। उवेर कप जो होता है वो किस खेल से संबंधित होता है, तो बैडमिंटन से संबंधित होता है। पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जीएस स्पेशल नॉलेज के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और शेयर भी कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को निरंतर इतना अच्छा करते जाइए कि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल अवश्य रखिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मन में जुनून हमेशा रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके,
और खुश रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।